हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ओके, अब पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, अच्छी बात है। बच्चों के रिस्पांस आ रहे हैं, लेकिन कम बच्चों के रिस्पांस आ रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग भी लगाइए और वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर वीडियो का लिंक मिल जाता है इसलिए हम सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन बेटा कभी लिंक नहीं मिला आपको तब क्या करेंगे? तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन उसमें होता है ना, उस बेल आइकॉन को पुश कीजिए, सो दैट एज सून एज आई अपलोड अ वीडियो यू विल गेट ए नोटिफिकेशन इन योर मोबाइल की वीडियो अपलोड हो गया है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम आए हैं वर्कशीट 6 की प्रॉपर्टीज पहले लेकर। क्या है उसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। जब हम डिवाइड करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, क्या होती है वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो डिवीजन की प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ये प्रॉपर्टी पहले प्रोडक्ट से देखते हैं। पर आपको पता है कि जब दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो होल नंबर ही आता है। ओके, मींस होल नंबर होल मल्टीप्लाइड बाय होल गिव्स होल, होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर गिव्स होल नंबर। फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 गिव्स 6, 3 इज अ होल नंबर, 2 इज अ होल नंबर एंड 6 इज आल्सो अ होल नंबर। ठीक है, उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? होल नंबर ही आएगा। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं है, डिवीजन ऑफ टू होल नंबर्स में नॉट बी अ होल नंबर। ओके, डिवीजन ऑफ टू होल नंबर्स, होल नंबर्स में नॉट बी अ होल नंबर। ठीक है, ये में नॉट का मतलब क्या हो गया? हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लिया हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 4 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर और आंसर आया 2, ये भी होल नंबर। तो हमने यहां देखा होल नंबर डिवाइडेड बाय होल नंबर गिव्स अ होल नंबर। तो क्या बोल रहे थे आप कि सर ये तो प्रोडक्ट में भी होता है, लेकिन अब देखो एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा डिवाइड, ये होल नंबर नहीं आएगा। अरे 1/2 क्या होता है? हाफ होता है, हाफ होता है ना, ये होल है ही नहीं, होल है ही नहीं, हाफ क्या हो गया? पार्ट हो गया। हाफ कोई होल होता है क्या? आधा। ठीक है, होल मींस कंप्लीट, कंप्लीट 0, 1, 2, 3 दीज आर होल नंबर्स, बट हाफ दिस इज पार्ट, सो हाफ इज नॉट होल, सो इट इज ए पार्ट। सो बट यू सी 1 इज होल नंबर, 2 इज होल नंबर, बट देयर डिवीजन इज नॉट अ होल नंबर। सो होल नंबर डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर मे नॉट बी ऑलवेज गिव होल नंबर। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए अब आते हैं अलग प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी की तरफ। वो क्या है? अगर आप किसी नंबर को खुद से डिवाइड करें, डिवीजन बाय इटसेल्फ, तो क्या मिलेगा? हमेशा 1 आता है। तो होल नंबर डिवाइडेड बाय होल नंबर, सेम नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर गिव्स 1, है ना। यदि हम सपोज एग्जांपल लेते हैं, 24 को 24 से डिवाइड कर दें सो वी विल गेट 1, 24 डिवाइडेड बाय 24 गिव्स 1। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। और एक और प्रॉपर्टी है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 रिमेंस अनचेंज। अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 रिमेंस अनचेंज, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 33 डिवाइडेड बाय 1 तो आंसर आएगा 33। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो है डिवीजन बाय 0।
एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स जीरो, है ना, किसी भी नंबर को नहीं, ये गलत हो गया। एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स जीरो, ये गलत है। जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या होगी, ये जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स जीरो। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो जीरो ही रहेगा। जीरो बहुत गधा बच्चा है, कितना भी पढ़ाओ वो जीरो ही रहेगा। देखो कैसे, जीरो अपॉन एनी नंबर, सपोज मैं लिख देता हूं यहां पर कोई नंबर लिख देता हूं 123, तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक, ओके। हाँ कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर लेकिन अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दें तो, अभी तो आपने देखा था, तो समझ लो बच्चों डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, यानी अगर कोई नंबर आप लिखें न्यूमरेटर में, मान लेते हैं आपने लिखा 4 डिवाइडेड बाय 0, तो ये पॉसिबल नहीं है। जीरो कभी भी किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये कुछ प्रॉपर्टीज, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और बाकी हैं, इन्हें आप नोट करिए और अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी क्या है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी और वो, अगर कोई भी एक नंबर है, अगर हम उसे दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बुक में ऐसा लिखा है कि एवरी मल्टीप्लीकेशन गिव्स टू डिवीजन फैक्ट, है ना, एवरी मल्टीप्लीकेशन गिव्स टू डिवीजन फैक्ट्स, टू डिवीजन फैक्ट, ठीक है, कैसे मिलते हैं दो फैक्ट उसको समझते हैं। देखो अगर हमारे पास है 2 × 3 = 6, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, इससे आपको डिवीजन के दो फैक्ट मिलेंगे। कौन कौन सा, पहला फैक्ट मिलेगा 6 / 2 = 3, अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और दूसरा फैक्ट मिलेगा कि अगर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये होते हैं टू डिवीजन फैक्ट। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर अगर 6 आता है तो 6 को 2 से डिवाइड करने पर 3 आएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, क्लियर है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं है उसको हम कह सकते हैं डिवीजन एल्गोरिदम है, उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। वो डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम को समझो, हम जब डिवाइड करते हैं ना तो जिसे डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है, जो डिवाइड करता उसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर, और जितने टाइम्स डिवाइड होता उसे क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं, और यहां पर कुछ आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां पर जो बच जाता है वो होता है रिमाइंडर, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। डिवाइजर जो डिवाइड करता है, डिविडेंड जो डिवाइड होता है, कोशेंट जितने टाइम्स डिवाइड होता है, एंड रिमाइंडर जो बच जाता है। डिवाइजर विच डिवाइड्स, डिविडेंड विच गेट्स डिवाइडेड, कोशेंट नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइजर डिवाइड्स द डिविडेंड, एंड रिमाइंडर व्हाटसोएवर इज रिमेनिंग जब फर्दर डिवीजन पॉसिबल ना हो, ठीक है। जैसे इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, मान लिया मेरे पास है, यहां मैं लिखता हूं कि 129 डिवाइडेड बाय 9, ओके तो क्या मिल जाएगा मुझे, 9 × 9, देखो 1 तो डिवाइड नहीं होगा, 12 लेंगे, 9 × 9 12 माइनस 9 3 देन 39, 9 × 4 = 36, 39 − 36 आ गया 3। तो अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि डिवाइजर क्या है, व्हाट इज द डिवाइजर, सो डिवाइजर इज 9, डिविडेंड क्या है, व्हाट इज द डिविडेंड, तो डिविडेंड इज 129, कोशेंट क्या है,
क्वेश्चन क्या बच्चों? क्वेश्चन इज 14, ओके, एंड रिमाइंडर क्या है? व्हाट इज द रिमाइंडर? सो इन दिस केस रिमाइंडर इज 3, क्योंकि 3 9 से डिवाइड नहीं होगा, इससे आगे डिवीजन होगा नहीं, तो इस चीज को समझना जरूरी है। लेकिन ये जो 4 क्वांटिटीज हैं, इनमें एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन को हम चेक कर सकते हैं यही इसी एग्जांपल में। कैसे कर सकते हैं? देखो, ये ऊपर वाला ट्री मैं उतार दूं, ठीक, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके आप, या फिर वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आप देखिए, फैक्ट ये होता है कि डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर गिव्स आउट डिविडेंड। ये फैक्ट होता है, इसे डिवीजन एल्गोरिदम भी कहते हैं, ठीक है, इसे याद रखना, है ना। डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके उसमें अगर हम ये ऐड कर देंगे तो ये आ जाना चाहिए। वेरीफाई कर लेते हैं, यहां पर हमारा डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है 9 मल्टीप्लाइड बाय द कोशेंट, कोशेंट है 14 और प्लस रिमाइंडर क्या है? 3। तो इसे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? 9 × 14 = 126 प्लस 3, और 126 प्लस 3 क्या आ गया? 129, और 129 क्या है? डिवाइजर, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर, है ना, हेंस वेरीफाइड। इस तरह से हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है, बात समझ में आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको यही वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले वर्कशीट 1 क्वेश्चन पार्ट ए को आप इसी तरह से कीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर मेरे सॉल्यूशन को आप देखिएगा। आई एम गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 6, ठीक है, ओके, लगा लिया। चलो इसे साफ करते हैं, और पहले क्वेश्चन का पहला हिस्सा, फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, लेट अस सॉल्व इट, इफ वी कैन सॉल्व इट कंप्लीटली, एंड वी हैव टू चेक क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिंप्लीफाई, सॉल्व एंड चेक। तो हम चेक करते हैं, हमारे पास है 2781 डिवाइडेड बाय 35, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड होगा 35 से, नहीं होगा 27, नहीं होगा लेस है, तो 278 तक लेंगे, ठीक है, और 35 का टेबल रीड करेंगे, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, 35 3 जा 100, 35 3 जा 105, 35 4 जा 140, ओके, सो हाउ मेनी टाइम्स वी कैन गो, हाउ मेनी टाइम्स, सो वी विल गो अप टू 7 टाइम्स, सो वी हैव 7 5 जा 35, 5 3 कैरेड, 7 3 जा 21 एंड 3 24, वी विल सबट्रैक्ट, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 4 3, 2 माइनस 2 कैंसिल्ड, फिर ये वाला 1 ले लेंगे, कॉपी करेंगे, अब फिर से 35 की टेबल हमें रीड करनी है, ठीक है, और अब की बार ये 9 तक चली जाएगी, तो 9 45 या 45 5 4 कैरी, 9 3 या 27 एंड 4 31, ठीक है, हमारे पास आ गया 11 माइनस 5 6, 3 ने 1 बोरो हो गया उस तरफ चला गया, इसके पास बचा 2, 2 माइनस 1 1 एंड 3 माइनस 3 कैंसिल, तो 16 रिमाइंडर बच गया। अब यहां हम नोट कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास डिवाइजर क्या है, हमारे पास 35, फिर इसके बाद हमारे पास कोशेंट क्या है, कोशेंट हमारे पास है 79, फिर हमारे पास रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज 16, एंड व्हाट इज द डिविडेंड, डिविडेंड इज 2781। अब हम इसे चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे हम फॉर्मूला क्या हमारे पास, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दिस शुड इक्वल टू डिविडेंड के इक्वल इसे आ जाना चाहिए। तो हमारे पास है डिवाइजर 35, क्वेश्चन 79, रिमाइंडर 16, इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं डिविडेंड आता है या नहीं आता है। 35 मल्टीप्लाइड बाय 79
79 लिखिए, 79 मल्टीप्लाइड बाय 35, 59 जा 45, 5 4 कैरेट, 57 जा 35 एंड 4 39, 9 3, तो कैरेट लेने के मतलब ही नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा 39 जा 27, 7 2 कैरेट, 37 जा 21 एंड 2 23, सो 5 9 एंड 7 16, 6 1 कैरेट, 1 एंड 3 4 एंड 3 7 2, सो वी हैव दिस इज 2765 प्लस 6, एंड व्हेन यू विल ऐड यू विल गेट somewhere something we have done wrong, because answer should have been, this is answer 71, 2771. Again check our multiplication, 59 is 45, 5 4 carried, 57 is 35 and 4 39, 39 is 27, 7 2 carried, 37 is 21 and 2 23, 5 9 and 7 16, 6 1 carried, 1 and 3 4 and 3 7 and then 2, so somewhere something wrong. Okay, check here again our division. 735 7 ja 75 to 35 3 75 to 35 3 3 carat 7 3 ja 21 and 3 24 8 minus 5 3 7 minus 4 3 then 9 9 5 ja 45 5 4 carat 9 3 ja 27 theek. So everything is fine, then where is wrong, because the answer should be, okay, sorry, it is not 6, it is 16. Now it is fine. So we have 2781. When you will add, you will get 2781. This way you can, and this is equal to dividend. This is equal to dividend. So this is how we can verify the result. Okay, divide and check. Okay, can you do? Can you do? Or should I solve one more? No, you can do. Okay, then you solve. And you post your comments. Okay. If you are not able to solve, then I will solve the question. Till then, keep solving.